हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। लेज़र टेक मनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा रहा हूं, जो है रियलमी एंड्रॉयड टीवी का। दोस्तों ये टीवी मैंने मंगवाया है, आप देख सकते हैं एलईडी टीवी 50 इंच का है, 50 इंच का टीवी है। ये मॉडल नंबर है RMV 2005, और यहाँ पर रेट आप देख सकते हैं 47,999, नवंबर 2022 मैन्युफैक्चर डेट। यहाँ पे सर दोस्तों सारा डिटेल दिया हुआ है, एलईडी टीवी 1 यूनिट, मैनुअल 1 यूनिट, स्टैंड 2 यूनिट, स्टैंड स्क्रूज 4 यूनिट, बैटरी 2 यूनिट, रिमोट कंट्रोल 1 यूनिट, पावर केबल 1 यूनिट, एवी कन्वर्टिंग केबल 1 यूनिट, स्टैंड इंस्टॉलेशन मैनुअल 1 यूनिट। और दोस्तों इसका वेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 30.1 kg ग्रॉस वेट है दोस्तों, और नेट वेट इसका 9.2 kg है। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस है इसका, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन की हुई है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा सील्ड है और पिनअप किया हुआ है इसको, और फिर इस पैक के ऊपर ये जो डिफ़ॉल्ट इसकी जो कोटिंग सील है वो लगी हुई है टेपिंग वाली। तो दोस्तों हम इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं रियलमी एंड्रॉयड टीवी, ओके गूगल दे रखा है, ओके गूगल सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे आप वॉइस कंट्रोल से इसको कंट्रोल कर सकते हो टीवी को। ये दोस्तों नेटफ्लिक्स वगैरह सब इसमें डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉलेशन है ऑलरेडी, और भी आपको कोई भी ऐप चाहिए तो इंस्टॉल कर सकते हो आप। और दोस्तों ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे ये मिला है, बाकी दोस्तों कोई शिकायत नहीं दिखी मेरे को इसमें। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं अंदर हमें साथ में क्या क्या मिल रहा है, और इसकी क्लैरिटी वगैरह हम सब चेक करेंगे। इसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑन करके। तो चलिए दोस्तों मैं इसको स्टैंड फिक्स कर देता हूँ। 126 सेंटीमीटर इसका साइज़ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इसका जो है 4K सपोर्ट है, लो ब्लू लाइट कंटेंट। दोस्तों सर्टिफिकेट है ये, सर्टिफाइड है लो ब्लू लाइट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्रोमा बूस्ट फीचर इंजन है इसमें, क्रोमा बूस्ट, और 24 वाट के स्टीरियो क्वाड स्पीकर है दोस्तों, 4 स्पीकर इसमें लगे हुए हैं। हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, बेजल लेस प्रीमियम डिज़ाइन के साथ है दोस्तों, बेजल बहुत ही पतले हैं इसके साइड से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्बी विजन भी इसमें सपोर्ट है, डॉल्बी विजन एटमॉस, डॉल्बी स्टूडियो साउंड DTS, और क्रोम कास्ट बिल्ट इन दोस्तों, ओके गूगल फैसिलिटी और वगैरह वगैरह जो भी है दोस्तों, सारे सिस्टम बहुत अच्छे दे रखे हैं इसमें। और यहाँ पे ये बिल है शायद, ये स्टिकर लगाए हुए साथ में। तो दोस्तों हम जल्दी से फटाफट से इसकी डिटेल वाइज वीडियो हम पूरी बताएंगे आपको, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम इसको यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ऑलरेडी सील्ड है, आप देख सकते हैं डेयर टू लिप यहाँ पे लिखा हुआ है, रियलमी स्मार्ट टीवी 126 सेंटीमीटर 50 इंच। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक करो नोटिफिकेशन के ज़रिए नए वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों एक लाइक से भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रूव मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टैंड पे रखा है मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कटर हम इसको कटर से इसका सील्ड ओपन करेंगे दोस्तों कंप्लीट। ये मेरे पास कटर है, और इसका सील्ड मैं ओपन करूँगा। ये आप देख सकते हैं पूरा सील्ड पैक है ऑलरेडी। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या हमें पूरा सेफ्टी एलईडी टीवी मिला है, अंदर से कहीं टूटा फूटा तो नहीं है।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये दोस्तों यहाँ पे इसके पिनअप भी लगे हुए हैं, इन पिन को मैं निकालता हूँ। बड़े बड़े पिनअप किए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये पिन इसका और निकाल दिया है मैंने, रिमूव कर दिया, काफ़ी बड़ा है। इधर भी एक पिन और लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल देंगे। वीडियो दोस्तों काफ़ी थोड़ी लंबी ही होने वाली है। ये दोस्तों दो पिनअप किए हुए थे जो मैंने निकाल दिए हैं, अंदर से रिमूव कर दिए हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों इसका बॉक्स का क्वालिटी वाओ, काफ़ी शानदार बॉक्स का क्वालिटी है। इतना हेवी बॉक्स है दोस्तों, चाहे मुझे लगता है ये गिरने पे भी लगभग इसको एलईडी टीवी को कुछ नहीं होने वाला। इसकी थिकनेस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी मोटाई है इसकी बॉक्स की, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बॉक्स है। दोस्तों अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे स्टैंड, टीवी बेस स्टैंड, जो टेबल स्टैंड जो है, दो ये दो पीस टीवी स्टैंड मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये दोनों टीवी स्टैंड को मैं यहाँ से निकालूँगा। दोस्तों मुझे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला ही हूँ, हेल्प के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है मेरे पास। ये स्टैंड है दोस्तों इसके, टीवी स्टैंड। अब मुझे एक हाथ से ही वीडियो बनाना पड़ रहा है और एक हाथ से ये सारा काम करना है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत अगर आपको इसमें कुछ परेशानी दिख जाए तो मुझे उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा सा ऐसा ही बना पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये नाइट का टाइम है दोस्तों, अभी रात का समय का वीडियो है। दोस्तों ये थर्मोकॉल लगा हुआ है इसमें, अभी सिंगल हाथ से मेरे को इसको रिमूव करना पड़ रहा है, अंदर से निकालना पड़ रहा है। दोस्तों काफ़ी बड़ा एलईडी टीवी है तो इसको एक तो गिरने नहीं देना है, इसको खड़ा रखा हुआ है। फिर मैं एक हाथ से ये थर्माकोल को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से ये हटा रहा हूँ। इसकी पैकिंग जो है काफ़ी मजबूत, अच्छी पैकिंग करते हैं ये लोग, ताकि पूरा आइटम जो आया है वो पूरा सेफ रहे। इसके आगे भी आप देख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक जो लगा हुआ है, उससे पूरा इसका एलईडी का जो आगे का पैनल है वो पूरा सेफ्टी के लिए लगा हुआ है पैकिंग के साथ। और दोस्तों अब साथ में इसके और क्या है वो हम चेक करते हैं। बाकी दोनों तरफ और थर्माकोल लगे हुए हैं, इसको हम रख देते हैं नीचे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ रिमोट कंटेंट वगैरह इसके मिलेंगे हमें, यहीं कहीं होने चाहिए, ये रहे दोस्तों। दोस्तों काफ़ी डीपली है, काफ़ी बड़ा स्क्रीन है तो मुझे एक हाथ से काफ़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें ये जो थैली है, पैकिंग है, इसमें हमारे को एक छोटा रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, स्मार्ट रिमोट, और साथ में एवी कन्वर्टर केबल मिल रही है, और टू बैटरीज इसमें साथ आती है दोस्तों, और एक पावर कोड हमें साथ मिल जाती है, और इसका यूज़र मैनुअल जो है वो भी एक साथ में मिल जाता है, इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है दोस्तों। लगभग तो यूज़र मैनुअल को कोई चेक करता नहीं है, बट कभी कभी काम भी आ जाता है। ये दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल है, स्मार्ट रिमोट कंट्रोल, इस पर शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे। और दोस्तों गूगल असिस्टेंट का जो बटन है, ओके गूगल वाला, वो बहुत ही बेस्ट इसमें फंक्शन है, मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि जब दोस्तों आप नेट से कनेक्ट करने के बाद आप अगर यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं तो भी आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो उसको, और आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, कौन सा वीडियो देखना, ओके गूगल के माध्यम से आप देख पाओगे दोस्तों। अब दोस्तों मैंने फ़िलहाल मोबाइल को स्टैंड पे फिट किया है, कैमरे को स्टैंड पे फिट किया है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा अंदर से। दोस्तों इस बॉक्स को निकालना है साइड में और टीवी को निकालना है साइड में। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, साइड के स्टैंड सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, साइड की जो पैकिंग है वो निकाल रहा हूँ, ऊपर जो पैक लगा हुआ था वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है।
अब दोस्तों अंदर टीवी के बेस पे नीचे के साइड पे एक मेन पैकिंग और लगा हुआ है थर्माकोल का। अब काफ़ी बड़ी स्क्रीन है दोस्तों, काफ़ी हैवी वेट भी है इसमें, ध्यान से इसको निकालना पड़ रहा है, थोड़ी काफ़ी मेहनत लग रही है दोस्तों इस वीडियो बनाने में मेरे को, और दोस्तों रिस्क थोड़ा सा भी लेना नहीं चाह रहा था मैं। काफ़ी बड़े प्लास्टिक इसको पहनाया हुआ भी है टीवी को, अंदर और कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा मेरे को। दोस्तों इस थैली को निकालेंगे। दोस्तों स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है 50 इंच की, पास से हम जब इसके पास बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी है, थोड़ा अगर गिर जाती है तो क्या कुछ भी हो सकता है एलईडी टीवी के साथ। बट अभी ऑन करके देखना बाकी है इसको, क्या ये पूरा सेफ्टी इसमें आया है वो चेक करना है हमें। दोस्तों वीडियो तो मैंने बनाया बट मुझे लगा एक बार ये भी शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छा कंटेंट है। आज के टाइम अगर कोई एलईडी टीवी मंगवाना चाहता है, लगवाना चाहता है, तो क्वालिटी वगैरह किस तरीके की है, कैसी है, वो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें। रियलमी ब्रांड बहुत अच्छी ब्रांड है दोस्तों, इसके स्मार्टफोन वगैरह भी आते हैं और एलईडी टीवीज वगैरह भी इसमें कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है। दोस्तों आप देख सकते हो फ्रंट साइड से एलईडी टीवी का लुक, बेजल बेजल वक्त बहुत ही पतले बेजल है, लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ है दोस्तों। अब जो पुराने टीवी आते थे उनमें बेजल बहुत ही मोटे होते थे, जो कि दिखने में आज के समय में वो अच्छे नहीं दिखते दोस्तों, आज के टाइम में यही पसंद आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नीचे का लुक, टीवी के नीचे का लुक जो है, इसमें पूरा स्पीकर का बॉक्स लगा हुआ है, उसके जो क्वाड कोर स्पीकर है 24 वाट के क्वाड स्पीकर जो लगे हुए हैं, उसमें दो स्पीकर होते हैं मेन स्पीकर और दो ट्वीटर्स होते हैं दोस्तों, जो साथ में आवाज़ को इनक्रीज करते हैं और उनका बेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों 24 वाट भी मुझे बहुत अच्छे लगे स्पीकर, काफ़ी हाई वोट हो जाता है 24 भी, मुझे नहीं लगता कि इतना 50% से ऊपर कोई इसकी आवाज़ सुनता होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट तक वॉल्यूम रखता हूँ मैं, वो भी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत टीवी की वॉइस होती है और थोड़ी बहुत आप अगर डिश लगा रहे हो मतलब चैनल देख रहे हो तो उसका वॉइस भी होता है दोस्तों थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंटेंट मेरे को साथ मिले हैं, जो दो स्टैंड वगैरह और यूजर मैनुअल, वो जो रिमोट मैंने दिखाया वो हमें साथ मिल जाता है दोस्तों। अब हम इसमें दोस्तों इसके जो बेस स्टैंड है वो फिट करेंगे स्क्रूज के साथ, और फिलहाल तो मैं इसको वॉल पे फिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका जो वॉल स्टैंड है वो भी मैंने मंगवाया है अलग से, साथ में नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट दिए हुए हैं दो, यहाँ पे इसके स्टैंड लगाने के लिए पॉइंट है, बहुत ही सिंपल में स्टैंड लगा सकते हो दोस्तों आप खुद। इसमें कोड भी दिया हुआ है ए और बी, ए के साइड ए वाला स्टैंड, बी के साइड बी वाला स्टैंड। दोस्तों ये प्लास्टिक के स्टैंड है दोस्तों, मेटल नहीं है, प्लास्टिक है। यहाँ पे दो नंबर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, दो नंबर, तो ये दो नंबर की तरफ लगेगा, एक नंबर की तरफ लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे आप फिटिंग कर सकते हो, दो और दो चार स्क्रूज जिसके साथ में ही आते हैं, उन स्क्रूज के साथ इसको आप फिट कर पाओगे दोस्तों। प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए स्टैंड है, लेकिन हैवी प्लास्टिक है दोस्तों, दिखने में लग तो नहीं रहा हैवी बट इतना वजन तो भी ये उठा लेते हैं। ये हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और इसको स्क्रूज को लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसमें बैटरीज लगा लेते हैं, ट्रिपल ए सेल इसके साथ में आते हैं, दो सेल लगते हैं इस रिमोट में जो हम लगा देते हैं रिमोट में। दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए,
ये दोस्तों बहुत ही स्मार्ट रिमोट है, बहुत ही अच्छा रिमोट है, छोटा और स्मॉल और थिन थिकनेस में भी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देख सकते हैं आप रिमोट काफ़ी अच्छा दिखने में, बहुत ही सुंदर है। और नॉर्मल बटन स्विचेस में ये इसके पावर कॉर्ड, ये इसके स्क्रूज और दोस्तों ये सब इसके साथ में हमें मिल जाता है। तो हम इसको स्टैंड को यहाँ पे फिट कर देंगे, बेस स्टैंड जो साथ में आते हैं, ये दो ही आते हैं, वॉल माउंट इसके साथ में नहीं आता दोस्तों, अलग से परचेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आसानी से ये स्क्रूज के साथ फिट हो जाते हैं, तो आप नॉर्मली आप खुद घर पे इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे, पावर कोड इसमें लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल मी का ब्रांड, यहाँ पे इसके जो है सीरियल नंबर लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी पावर कोड लग जाती है, एक साइड में जो पोर्ट दिया हुआ है ये पावर कोड के लिए है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात ये है कि अलग से पावर कोड इसमें लग जाती है, इंटरनली फिट नहीं होती है, अलग से लगती है, पोर्टेबल, खोल सकते हैं आप इसको, लगा सकते हो। ये दोस्तों अब बड़ी आसानी से लग जाती है। और दोस्तों ये साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एवी इन कन्वर्टर केबल जो होती है उसका एवी इन यहाँ पे पोर्ट होता है ऊपर के तरफ साइड पे, और नीचे HDMI के तीन पोर्ट दिए हैं। यहाँ ऊपर देख सकते हैं एवी के लिए भी है, एंटीने के लिए भी है। दोस्तों सभी तरह के पोर्ट इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों आपकी जो जो रिक्वायरमेंट रहती है एक बड़े स्मार्ट टीवी में होनी चाहिए वो सब इसमें मिल जाती है, किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं है दोस्तों। तो हम इसको ऑन करके देखेंगे, ऑन करने पे इसमें आखिर इस तरीके का डिस्प्ले इसमें दिखता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले पैनल है इसका। दोस्तों 50 इंच काफ़ी बड़ी हो जाती है, एक अच्छी साइज। तो फटाफट से हम इसको पावर कोड को लगा देते हैं प्लग में और इसको ऑन कर देते हैं टीवी को, देखते हैं कंप्लीट ऑन करके। ये दोस्तों मैंने केबल लगा ली है, अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट ब्लिंक होती है, उसके बाद में रिमोट से इसको ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं एंड्रॉयड और फिर कुछ सेटअप मिल जाता है, ये सेटअप ऑटोमेटिकली दोस्तों हो जाता है कनेक्ट। इसको स्किप करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, फिर इसको स्किप, क्विक सेटअप को स्किप कर दीजिए आप, और यहाँ स्किप करने के बाद नेक्स्ट और फिर स्किप, कंट्री जो भी है टीवी सॉर्स आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्किप स्कैन करना है और आपका पूरा टीवी फिनिश सेटिंग अप योर टीवी ये पूरा दोस्तों ऑन हो जाएगा। इसके बाद में यह शॉर्टकट आप देख सकते हैं सारे ऐप दिए हुए प्री इंस्टॉल्ड, यूट्यूब वगैरह, लाइव टीवी, यूट्यूब। यहाँ पे दोस्तों वाईफाई को हम कनेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं वाईफाई। यहाँ पे अबाउट में मॉडल नंबर आप देख सकते हैं रियलमी स्मार्ट टीवी, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद इसका वर्ज़न जो है एंड्रॉयड 10 वर्ज़न दोस्तों इसमें लेटेस्ट दिया हुआ है टीवी मॉडल में, सॉफ्टवेयर वर्ज़न भी नीचे लगा हुआ है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर इसमें है, चलने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों इसके नेटफ्लिक्स वगैरह ESN सबकी ID दी हुई है इसमें, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम जो ऐप है सारे इसमें प्री इंस्टॉल्ड दिए हुए हैं, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेस लेवल वगैरह सब है, कर्नल वर्जन। ये दोस्तों सारा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है जो अंदर देखने को मिल जाता है, और स्टेटस में देखेंगे यहाँ पे इसके जो है सीरियल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है। और सिस्टम अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों स्टोरेज में देख सकते हैं आप 12 GB का स्टोरेज यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ करने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें 16 GB आती है एक्चुअली, बट अवेलेबल 12 GB मिलती है, बाकी का सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है इसलिए उसमें उतनी मेमोरी वो कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम कास्ट है, स्क्रीन सेवर, लोकेशन,
ये दोस्तों काफ़ी अच्छे और यूनिक फीचर इसमें दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं स्क्रीन सेवर, बहुत ही लाजवाब स्क्रीन है दोस्तों इसकी, बहुत ही अच्छा पैनल इसमें यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे रिमोट एक्सेसरीज आप देख सकते हैं, सर्चिंग फॉर एक्सेसरीज, यहाँ पे दोस्तों जो भी है आप कनेक्टिविटी रिमोट और एक्सेसरीज ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, और डिसकनेक्ट यहाँ पे दोस्तों वाईफाई के लिए ये दिया हुआ है ऑप्शन, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों हॉटस्पॉट मोबाइल से ऑन करने के बाद यहाँ पे वाईफाई आप कनेक्ट कर पाते हो, और उसी के माध्यम से आप YouTube वगैरह जो भी इसमें ऑनलाइन देखना चाहते हो वो सब देख सकते हो। ये दोस्तों हॉटस्पॉट में कनेक्ट कर रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली सेटअप मैंने कर दिया है वाईफाई का, ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्टेड सक्सेसफुली। दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो गया, इसमें यूट्यूब चालू करेंगे, यूट्यूब हम देख सकते हैं, यूट्यूब ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, चल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।